दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के लिए या बिजनेस के लिए या फिर ब्लॉग के लिए किस तरह से एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत सारा मैसेज आया था कि लोगो कैसे बनाएं। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि लोगो क्या होता है, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अपने यूट्यूब चैनल पर लोगो या बैनर या थंबनेल न लगाऊँ तो क्या होगा। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर लोगो के डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में इन सभी डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों उससे पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू मौर्य और आप देख रहे हो SKM डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर लोगो होता क्या है। लोगो का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, मतलब ग्राफिक उन्मुख की भाषा। लोगो एक तरह का सिंबल होता है जो आपके ब्रांड की पहचान बताता है। यह कुछ टेक्स्ट के माध्यम से और कुछ इमेज के माध्यम से बनाया जाता है जिससे कस्टमर को यह पता चल जाता है कि यह ब्रांड क्या काम करती है। जैसे अगर आपके सामने कोई ब्रांड की बात करे और एप्पल का जिक्र करे तो आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, कटा हुआ सेब। अगर कोई नाइक की बात करे तो आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, गुड़ का निशान। तो ये होता है लोगों का कमाल, मतलब खुद की अलग से एक पहचान बना लेना। तो दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अगर अपने यूट्यूब चैनल पर थंबनेल बैनर या लोगो नहीं लगाया जाए तो क्या होगा। अरे भाई, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर लोगो थंबनेल बैनर नहीं लगाओगे तो आपका चैनल बिल्कुल अनप्रोफेशनल की तरह दिखेगा। कोई भी विजिटर अगर आपके चैनल पर विजिट करेगा तो वह यह नहीं जान पाएगा कि यह बंदा क्या काम करता है, किस तरह का वीडियो प्रोवाइड कराता है, और वह आपके चैनल के बिना देखे हुए ही वापस चला जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल, लोगो, बैनर बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि लोगो कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको अपने सीधे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और देखिए लोगो कैसे बनता है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर जाना है और आपको अपने मोबाइल में एक प्ले स्टोर का एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप देख सकते हो इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, यह लगभग हर मोबाइल फ़ोन में पहले से इंस्टॉल होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ से आपको सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है पिक्सआर्ट। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं पिक्सआर्ट। अब आप देख सकते हो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन को। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फाइनली डाउनलोड हो चुका है। अब हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं और अपने होम स्क्रीन पर भी जाकर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने होम स्क्रीन पर चलकर ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यह एप्लीकेशन फाइनली होम स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए इस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपको सबसे नीचे जाना है। अब आपको यहाँ से अपने लोगो के लिए एक कलर चूज कर लेना है जो आपको ज़्यादा बेटर लगे। ध्यान रहे बैकग्राउंड आपके लोगो के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। कलर चूज करने के लिए हमको इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने देख सकते हो बहुत सारा कलर आ गया है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप वो कलर चूज कर लीजिए। तो फिलहाल हम स्काई वाला कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक गुड का निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आप यहां से अपने चैनल के लिए या बिजनेस के लिए या ब्लॉग के लिए एक अट्रैक्टिव लोगो क्रिएट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक लोगो क्रिएट करके दिखा देते हैं। आपका जिस भी नाम से चैनल है आप उस नाम से लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं।
अब आपका जिस नाम से चैनल है उस नाम का फर्स्ट स्पेलिंग को ले लेंगे। मान लीजिए आपका चैनल का नाम है यस के टेक्निकल या यस के न्यूज, तो हम यहाँ यस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, तो चलिए क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसके किनारे पर हल्का इस साइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ डन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर हम टेक्स्ट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ से के सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डन करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे। आपको कोई भी कलर चूज कर लेना है, जैसे मैं रेड चूज कर लेता हूँ। इसको थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ स्ट्रोक पर जाएंगे, इसके किनारों को थोड़ा हल्का कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ डन करते हैं। उसके बाद हम फिर टेक्स्ट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ न्यूज टाइप कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे लेकर आएंगे इस तरह से, सेट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ फिर स्ट्रोक पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ डन कर देंगे यहाँ से, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको अपने लोगो को एक शेप देना है। शेप देने के लिए आपको यहाँ टूल्स पर क्लिक करना होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर शेप क्रॉप का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप यहाँ से कोई भी शेप दे सकते हो अपने लोगो को, आप देख सकते हो यहाँ से कोई भी शेप दे सकते हो, जो मर्जी करे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह सा शेप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो फिलहाल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो एरो का निशान दिया हुआ है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आप अपने लोगो को एक बॉर्डर दे सकते हो, आप देख सकते हो किस तरह का बॉर्डर है। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, तो फिलहाल हम वाइट चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ शेप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका लोगो बनकर तैयार हो गया, देख सकते हो किस तरह का लोगो बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है एरो पर, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब यह पूछ रहा है कि आप अपना लोगो कहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ गैलरी चूज करना है, तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपका लोगो सेव हो चुका है गैलरी में। चलिए हम देखते हैं कि हमारा लोगो किस तरह नज़र आता है। यहाँ एल्बम पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ एक पिक्सार्ट की फाइल है, यहाँ पर हमारा लोगो आकर सेव हुआ है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारा लोगो किस तरह दिखता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये लोगो किस तरह दिख रहा है। इस तरीके से आप तरह तरह के लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे समझ से आपको लोगों के बारे में फुल नॉलेज हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।